ट so यट hmm. oh. <laughs> <"Chirti>, <laughs> so like yeah, yeah. होते थे हमेशा <laughs> बॉलीवुड की फिल्में देख के क्योंकि सबकी वर्दियां गलत होती हैं <laughs> सबके स्टार्स गलत होते हैं आई थिंक दी ओनली फिल्म बैंग ऑन फर्स्ट टाइम वॉज लक्ष

But I also feel that at the end of the day the producer should be making money because if he doesn't make money today, he would be not investing in more films. Yeah. Which in totality is a loss for our industry because it's a good script and there are so many other good scripts that are waiting to be told. Right. So film business, karthi, film ke babuji, when critics are appreciating it, audiences are appreciating it, it's picking up from the word of mouth.

वैसे तो आपने इनके अर्ली करियर में इन्हें बहुत छोटे छोटे रोल्स करते हुए देखा बट फर्जी आते ही मतलब जितना शौक और जितने इंस्पायर्ड हम इसकी राइटिंग से थे एक और बंदे ने हमारा दिल जीत लिया जिनका नाम है फिरोज एंड हाल ही में करनेल सिंह की भूमिका में ये नजर आए इन चंदू चैंपियन मोर

मैं उनके ऑफिस में गया और उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे लगा कि शायद ऑडिशन मांगेंगे उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा मुझसे उन्होंने बोला यार मैं ये फिल्म बना रहा हूँ और ये ये कहानी तो पहले तो मैं कहानी सुन के दंग रह गया मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है आई मीन लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल पहले मुझे शौक हुआ फिर मुझे शर्मिंदगी हुई कि इतनी uh, बड़ी लाइफ कोई जीत चुका और मुझे पता ही नहीं mm -hmm. इनके बारे में मतलब आई हैड नो अबाउट मुरलीकांत पेटकर वो एंड आई एट द सेम टाइम सर ऐसा कैसे हो सकता है कुछ तो फिक्शनाइज किया होगा ना आपने इसमें नहीं भाई ये हुआ है एंड ही इज समबडी हु इज लाइक इन टू इमेक्युलेट डिटेलिंग वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखाने के लिए दिखा mm -hmm -hmm. दिया mm -hmm. पर uh, मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी कहानी आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट सो ही जस्ट हीटेड मी द स्टोरी एंड ही सेट दैट यू नो दिस इज द कैरेक्टर दैट आई वॉन्ट यू फॉर

कम था और मैं ना और तीन प्रोजेक्ट शूट कर रहा था इसके इसके अच्छा। साथ जो आगे आएंगे अभी बाद तो मेरे लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि मैं जब सुबह उठता था या तो मैं फ्लाइट ले रहा होता था या मैं शूटिंग कर रहा होता था या मैं ट्रेनिंग कर रहा होता था तो आई डिड नॉट इवन गेट अ सिंगल डे ऑफ ऐसा अच्छा। होता है ना कि मेरे को मेरे ख्याल से उस सौ दिन का पीरियड जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया उसमें मेरे को तकरीबन टोटल चार या पांच दिन ऑफ मिले होंगे <laughs> उसके अलावा मैंने छियानवे दिन ट्रेनिंग करी है और दो टाइम दिन में चार घंटे सोता था बारह घंटे शूट करता था या तो फ्लाइट ले रहा होता था और फ्लाइट में भी रेजिस्टेंट बैंड से कर रहा होता था एंड माई ट्रेनर वुड बी विद मी ट्वेंटी फोर सेवन नॉट ट्वेंटी विद मी ऑलवेज एंड ही वुड लाइक सुपरवाइज एंड मेटोर मी थ्रू आउट एंड

तो मैंने बोले तो बढ़िया आएगा मज़ा आ जाएगा और उन्होंने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा लगेगा यार मेरे दिमाग में ऑलरेडी था वैसे लेकिन मैं आई डिट नॉट मैंशन यू बट अब दाढ़ी का तो इल रियली फिट राइट मैं बोला ठीक है चलिए करते हैं अब ये तीन मैंने अपने खुद ले लिया उसके बाद मैं एक साल तक वो दाढ़ी लेके घूमता रहा एवरी अदर प्रोजेक्ट दैट टू पिच टू मी वॉटेड मी टू क्लीन शेव और यू नो हैव लाइक स्टबल एंड ऑल दैट आई हैड टू लेट गो एवरी थिंग

Huh. जो actually just... को actually बोलना वो भी एक improv था कबीर सर so, की ने आदत है ना तुम्हें रायते की तरह फैलना ना फैलो <laughs> लेकिन रीडिंग में रिहर्सल में तब फैलो सेट पे जाके मत फैलना क्योंकि फिर क्योंकि समेटना मुश्किल हो जाता है वो रहता एंड दैट्स ग्रेट यू नो तो ये हमने रीडिंग करते करते इम्प्रोवाइज किया था और वो भंगड़ा जो है रिंग एंड लाइक डू दैट

So I didn't not realize that point of time. There was no bleeding. There was nothing. So I took like a 10-minute breather, and I was like, "Let's resume the shoot." Kabir mm -hmm. sir was very sweet. He came to me like, Boon, are you okay? Are you uh, all right to shoot? We can obviously do this another time." And I have gotten enough shots. If you don't feel like doing it, I said, name, actor So I said, shot, not cut I I So some two weeks later, I started to feel some irritation in my ear, and I went to an ENT doctor, and he said that your eardrum is gone.

फिर उन्होंने बोला कि यार अब आपको छः हफ्ते तक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यू कैंट लेट वॉटर गो इन दीज अर द मेडिकेशन दैट यू हैव टू टेक इन मोस्ट केसेज वी हैव टू अंडर गो अ सर्जरी बट इफ यू आर लकी देन इट माइट हीड विथ सेल्फ एंड इट एक्चुअली हैपन विद मी गॉड इज बीन वेरी काइंड अबाउट सिक्स वीक्स लेटर आई वेंट फॉर अ रिव्यू एंड हीट दैट इज कंप्लीटली हीड नाउ एंड आई हीट दिस माइन माइ इटायर करियर यू आर दी ओनली यू आर द सेकेंड पर्सन आई एम सींग दिस टू

you don't come across आपको as... मेरे साथ अभी बैठ आ, मुझे लग रहा मैं कि मैं है कि हमारी सालो सालों सालों से दोस्त थे देखो मतलब अभी थोड़ी देर हम अंताक्षरी खेले हैं ये तो ऊपर वाले का करम है घमंड नहीं करते हम तो दोस्तों जी हम ऐसे बना लेते हैं। कितने हमबल है हम आप हां <laughs> जी क्या करें और how is it bonding with him कैसा था very nice he's a very sweet boy and i feel i relate to him a lot because he's also made it on his own hmm. and we always had like this heartfelt conversation and i remember we were shooting that one short sequence in कश्मीर hmm. वो जो एक आठ मिनट का सीक्वेंस हमारे इंटरवल पॉइंट है वेयर कैरेक्टर डाइज तो वो शूट कर रहे थे एंड हम लोग जिस कैजुअली कार्तिक के टेंट में बैठे थे और हम लोग बात करने से बात करने पे लगे और देन वी रियली हैड लाइक यू नो हमारी जो जर्नी रही है इतने टाइम सो ही आल्सो शेयर द लॉड ऑफ ट्रिवियाज एंड इनसाइड स्टोरीज अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट आई साइड स्टोरीज अबाउट वट है पास बिकॉज ही सेड इट टू मी इन कॉन्फिडेंस एंड आल्सो टोल्ड व्हाट हैपेंड विद मी तो बड़ा एक अच्छा सा मोमेंट बना था हमारे बीच में hmm. लेकिन ही इज ऑलवेज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन यार आई थिंक ही इज अ वेरी स्वीट बॉय एंड आई थिंक ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ लव दैट्स कमिंग हिज वे मिलिट्री के कई सारे पार्ट्स uh, शूट किए गए तो ऐसी कौन सी चीजें आपने जानी वाइल्ड शूटिंग मैम मेरे पापा फौजी थे ओह oh, अच्छा तो ये बताएं कि दैट ये मार्च पास पे गोरे-गोरे पर मार्च पास करना एक एक्चुअल होता या इट्स एक्चुअली अ थिंग या दे डू इट एंड वी वर डन एंड आई थिंक उसका हमने इतना शूट किया था इतना शूट किया था वो गाना ना मेरे नींद में आने लगा था आई थिंक मार्च पास सीक्वेंस कबीर सर ने सबसे सब ज्यादा शूट किया था अमंग्स दी आर्मी बिट्स एंड ऑल ऑफ दैट वो फिल्म में आई थिंक बहुत जल्दी निकल जाता हमें नहीं पता चलता लेकिन शूट करते टाइम हम लोगों ने उसको बहुत शूट किया था और गोरे गोरे बाकी छोरे तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री का है तो बहुत सारे पापा पापा से सुनते होंगे आप हाँ, हाँ, क्या? पापा इरिटेट होते थे हाँ. बॉलीवुड की देख <laughs> हाँ. के क्योंकि सबकी वर्दियां फिल्म में कहीं पे भी गलती नहीं है ठीक है सो so, बट वो बहुत इरिटेट होते रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग फिल्म आर्मी इनवॉल्ड इन इट एंड आई डिड द शो कॉल द टेस्ट केस इन विच आई वॉज प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर वी वर प्लेइंग पैरा कमांडोज इन दैट एंड उसमें मैंने पहली बार फौजी प्ले किया था तो मैं बहुत डरा हुआ था कि पापा जब देखेंगे दी वॉज अ लाइफ एट दैट टाइम इज नो मोर बट मुझे लगा था देखेंगे और ये फिर गलतियाँ निकालेंगे और मतलब ईज बिन वेरी इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग बट आज तो पक्का कुछ ना कुछ तने बढ़ेंगे

और क्या कहते हैं माय डैड केम आउट ऑफ द फिल्म आफ्टर इट गॉट ओवर एंड वो सबको बोलते रहे कह रहे वो जो बाथरूम नहीं जाने दे रहा था ना मेरा बेटा <laughs> 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 क्या बात है यार टू स्वीट टू स्वीट ओके स्पीकिंग अबाउट शुद्ध देसी रोमांस फर्जी के बाद हाउ मेनी पीपल रिकॉग्नाइज्ड यू हाउ मेनी पीपल वेंट बैक टू शुद देसी रोमांस एंड से अरे

और जब वो लोग जर्नी फॉलो करते हैं और वो देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई इतना टाइम आपकी लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहता है करेक्ट करेक्ट। देसी रोमांस? निकला था और कहते हैं ना कि कि एक्टिंग का कीड़ा बहुत जोर से काटा हुआ था आपका होता <laughs> काट काट गया काट गया एक एक <laughs> <laughs> तो मनीष सर थे सेट के ऊपर उन्होंने मेरे उसके लिए भी मैंने आयरॉनिकली ऑडिशन नहीं दिया huh. तो उन्होंने को जिस कमरे में बुलाया मेरे को टेस्ट नहीं लेना मैंने वो तेरा देख लिया तूने जो दूसरी पिक्चर का दिया था उसके लिए मेरी एज छोटी लग रही थी बट तूने बहुत बढ़िया किया और मेरे को चाहिए तू फिल्म करे तेरे को क्या करना है तेरे को आ, हीरो बनना है कि तेरे को क्या करना है तेरा क्या है लाइफ में ओरिएंटेशन मैं बोला सर मतलब मेरे को वेस्ट नहीं होना मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं स्क्रीन पर आ रहा हूँ तो मैं इतना कुछ कर जाऊँ कि जो मेरे को ऐसे घर पर जाकर ना लगे कि यार नींद नहीं आ रही प्रॉपरली क्या ही कर दिया तूने क्योंकि तो कोई ऐसा एम नहीं था तर आपको एक एक मेन लीड एक्टर बनना है है यार ये बहुत ही ना एक वो अपने सर पे बोझ ले लिया लोगों ने इस चीज का अभी भी मुझको लोग पूछते हैं कि यार आपने फर्जी करने के बाद डिड यू अगेन पार्ट वाज मच बिग पैरेलल लीड ऑफ द शो तो लोग मुझे बोलते हैं पर मुझे लगता है कि किस डे एज में जी रहे हैं यार हम लोग

और मैं तो बिल्कुल नहीं लेता मेरे को पता, मेरे को पता है मैं यहां से जाऊंगा तो घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा मेरे मन में था ना यार मुझे कबीर खान के साथ करना है काम तो मेरे को पता ना मैंने वो कर लिया मेरी बकेट लिस्ट में वो टिक हो गया ना अब आगे के लिए किसने देखी यार और मुझे पता है अगर आप में कैलबर है ना कोई ना कोई पहचान लेगा एंड एंड यू मूव टू आई एम अब जो मेरे आगे वाले सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं ऑल ऑफ लीड तो इट डज नॉट मैटर ये तो

मैं दबा के अपने को क्रिटिसाइज कर कि खराब किया यहाँ पे खराब किया यहाँ पे खराब किया <laughs> तो मैं बैठा था और मैंने ये खुद सुना हाँ. तो मेरे लिए बहुत वियर्ड मोमेंट था क्योंकि मैं बैठा हुआ था और मैं ही जो स्क्रीन पर आया था वेरिंग कैप लाइक पता नहीं क्यों जैसे मेरे को मॉब कर देगा कोई बट Guys, पता please, नहीं मुझे I लगा I था शांति देखने

But I also feel that at the end of the day the producer should be making money because if he doesn't make money today, he would be not investing in more films. Yeah. Which in totality is a loss for our industry because it's a good script and there are so many other good scripts that are waiting to be told. Right. So the film business, thi, film ke babuji, when critics are appreciating it, audiences are appreciating it, it's picking up from the word of mouth. तो मुझे ये आई एम जेन्युइनली क्लोजलेस एंड शोस एवरीबॉडी यस अगर किसी का कंट्रोल होता है इसके ऊपर तो ऑलरेडी आई थिंक इट वुड हैव डन लाइक सम 1000 करोर्स और समथिंग लाइक दैट बट आई फील दैट इट्स इट्स अ लॉस फॉर द इंडस्ट्री नॉट जस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन यू मेंशन दैट आप अपनी फिल्म्स <coughs> लेकर काफी क्रिटिसाइज करते हो कि थोड़ा और बेटर होता

चाहे वो कोई भी हो मतलब उनको पता भी नहीं क्या शूट हो रहा है और तो जब हम निफ्टी आई में शूट कर रहे थे तो हम कैमरा लेके जब बाहर शूट करने जाते थे वहां पे लोग देखते थे तो उनको लगता था कि ये कोई स्टार है हम नहीं पहचान रहे वो अलग बात है तो वो तब से क्या था बट मुझे लगता है मेरे काम को लेके जब मैंने पहली बार देखा था आई आई थिंक इट टू डू एपिसोडिक टेलीविजन शो आई थिंक ठीक है तो उसके बेसिस पे किसी ने मुझे पहली बार पहचाना था और बहुत ही ऐसे नॉट सो वार्म तरीके से पहचाना था तो उन्होंने बोला था कि आप उस सीरियल में आए थे एक बार मुझे किसने रोक दिया था आई नो ठीक है अच्छा, मतलब मैं ही जवाब दू हाँ, तो मैंने कहा आप सोच लीजिए मैं रुकती हूँ कहाँ देखा है कहाँ देखा है कहीं तो देखा है बताइए <laughs> क्या करती है आप अच्छा मतलब फ्लाइट में हाँ। आप जब अगर बैठ जाओ और अगर आपके बाजू वाला पैसेंजर एंथ कटलेट निकले ठीक है तो वो आपकी जो जर्नी है ना जितने भी घंटे की वो आपको ना में पका देते हैं पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि वो इतने सवाल पूछते हैं इतने सवाल पूछते हैं और इतने पर्सनल सवाल पूछते हैं जो मेरे घर वालों ने भी मेरे से आज तक नहीं पूछूंगा तो मुझे लगता है कि यार फिर मैं ना अपने कान में लगा लेता हूँ अपने एयरपोर्ट और मैं बैठा रहता हूँ चाहे उसमें म्यूजिक चले ना चले और मैं ऐसे प्रिटेंड करता तो रहता हूँ

बहुत बड़ा शौक लगा था एंड आई माई सिस्टर हैज दिस हैबिट कि हमारे जो डेली में घर है ना तो मैं जितने प्रोजेक्ट्स करता हूँ वो उसमें से या तो एक फोटो या पोस्टर कुछ निकाल के ना उसने मेरे कमरे की वॉल पे लगा रखे हैं एंड आई रिमेंबर दिस वेरी ईरी फीलिंग वैन आई जिस कॉट टू नो अबाउट दिस एंड देर इज अ फोटो इन माई रूम इट स्टिल इज देयर वेयर मी सुशांत एंड वानिया स्टैंडिंग इट्स वन ऑफ द सीन्स फ्रॉम द फिल्म विच माई सिस्टर है प्रिंट आउट ऑफ एंड शीट फ्रेमड इड

कि दोनों इंसिडेंट्स तो मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था टू प्रोसेस इट टूक मी टाइम थैंकफुली वो कोविड का टाइम था मैं घर पे था hmm. घर वालों का सपोर्ट था और आई आई सॉर्ट ऑफ मूव ऑन फ्रॉम दैट बिकॉज वी वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स वाई शूटिंग फॉर द फिल्म वी वर इन टच टिल आई थिंक गुड थ्री फोर ईयर्स आफ्टर द फिल्म एंड रिलीज And then he got busy with his life. I got busy with my life. So the conversation obviously reduced. In his last few years, were you able to be in touch with him? No, yeah, unfortunately. Hmm. And I feel that I should have. There's something that's something. It's irreparable damage inside me, which I feel that I, if, if if I had that choice, I would probably make that call and I would speak to him. I don't know whether he would be in a position to tell me whatever was going on, hmm. but just that last conversation. The last time I met him was at an airport.

उनका ये प्रॉब्लम था बट खैर मैं अगेन उन उस चीज पे नहीं जाते हुए मैं अपनी जाहिर जाती तौर पे बात करूं तो यार मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ बिकॉज मैंने ना कभी भी अपने लिए कोई गोल या प्लान सेट नहीं किया क्योंकि तब आपको ना एंग्जाइटी होने लगती है जब आप अपने आप के लिए कुछ बेंच बना देते हो और उसको अचीव नहीं कर पाते हुँ. आप तब आपको लगने लगता है यार कि कितना टाइम लग रहा है कितना टाइम लग रहा है कितना टाइम लग रहा है मुझे सिर्फ इतना पता था जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे मजा आता है कि नहीं आता मैं ऑडिशन भी जाता था रोज मेरी आदत थी यार आईव ऑलवेज बिन लाइक यू नो घर so hmm. like, hmm. तो बैठ के कितनी फिल्मे देख लूंगा कितनी किताबें पढ़ लूंगा कितने लोगों से बात कर लूंगा और मेरे जो दोस्त है वो भी सब एक्टर्स है hmm. फिर आप इसी के बारे में बात करते डे यू नो यू स्टार्ट टू क्रिटिसाइज आर दीपल it's not really going to do any good to you hmm. so i realized this very early in my career and i was fortunate that i did not really have to knock a lot of doors for the work to come in yeah. i think people sort of spotted my uh, talent for the lack of a better word very early hmm. and one thing always led to another so i never really got into that phase but i there have been uh, windows in between but i think that is where your friends and family come hmm. in picture विच इज वाई यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड अराउंड यू गुड पीपल हु मोटिवेट यू एंड एनकरज यू एंड इट नॉट जस्ट अब यर फाइनेंशियल पोजिशन क्योंकि मेरे लिए दैट वॉज ने पॉइंट ऑफ कंसर्न क्योंकि मेरे घर वाले सपोर्टिव थे एंड आई वॉज अर्निंग मतलब कंफर्टेबली थी लाइफ यार ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब बायोग्राफी वाला मटीरियल नहीं कि धक्का hmm. मार के किसी ने निकाला या स्टेशन पर सोया hmm. आ, खाने को रोटी नहीं थी नथिंग लाइक दैट वॉज हैपनिंग विद मी तो वो नहीं था बट नॉट बींग एक्टिवली इन्वॉल्व इन वॉट यू रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इज बिग

नेचुरल बात हो जाती कि हाँ। like, तो है कि यू स्टार्ट फीलिंग जग जहान। <laughs> <थीक है>? <laughs> 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 तो ये तीन जो सर्कल होते हैं जो आपका कोर ग्रुप होता है ना अगर आपको उनके लिए फील हो रहा है ऐसा और आपको उनको आपके लिए ऐसा फील हो रहा है तो उनको बाहर वाले सर्कल में कर दो फटाफट

You're feeling depressed, Could Feel it. I'm, I'm not saying that to a point where you need help yeah. from like medical help and all of that. If you feel that you're in a condition, then immediately seek. But if you feel it's like, like a superficial level mm. of feeling, but you're feeling low, depressed is probably mm. uh, too hard a word. If you're feeling low, use that feeling. Mm. Stay in it. You're going to have to feel low on screen someday. Use it. Everything that is happening in an actor's life is juice for them to replicate later on screen. So just be in it. Don't combat it. The more you combat it, the more it's gonna uh, trap you. I know that I brought out this topic and we've turned into a very serious situation. But I want to ask you this last question about Sushant. That if you have to remember him, what are what is the best thing that you'll remember him? From? I had a very funny incident that happened with him. So when I used to do this uh, episodic uh, television show, I I remember we were sitting and it was like the first few days of shoot of Shuddesi Romance, and we were sitting and we were between the shots. And and like, uh, hmm. तो उसपे मैं बैठे थे और उनका बॉय खड़ा था बगल में एंड दिस रियली ओल्ड आंटी केम एंड शी आज फॉर माई ऑटोग्राफ एंड सुशांत वो सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी तो उन्होंने मेरे को बोला और मैं बड़ा ऑकवर्ड हो गया ऐसे तो <laughs> मैंने बोला कि नहीं हिरो <laughs> के उन्होंने तो मोला नहीं, नहीं हमने तो आपको देखा जी वो सो इट इज लाइक दे दे भाई ये टाइम बड़ी मुश्किल से आता है so cool. so I remember this was our first

एवरी थिंग इन इट एंड जैसे आपने कहा ना कि आपकी वोर सर्कल जिसमें फैंस भी आपके उसको में आते हैं विन दैट दिस मैन डिजर्व ऑल द प्रेज ऑल द रिक्शन द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म पॉसिबल इट वॉज सो अमेजिंग मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए फिरोज की डेफिनेशन क्या थी क्या मन में आपने सोच रखा था कि ये फिरोज है यार मैंने जब पढ़ा था ना उर्मी मैं हर कैरेक्टर के ऊपर ना काम करता हूँ अपने हाँ. मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने पढ़ाई करी थी तो जब मैंने पहली बार फिरोज पढ़ा था ना तो मुझे लगा था कि इस कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग बिकॉज ही डिड नॉट बिलोंग टू एनी वॉज एन ऑफन लेफ्ट ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म बाय द पेरेंट एंड ही So the day that Sunny said that you know you come with me, he found a sense of belonging. Hmm. So that belonging had to stay in everything that I said or did, indirectly impact or did not impact. It does not matter. Hmm. But for the character to have a sense of belonging, which is why if you see the show also, it's also written like that. It's been written beautifully. From Sita Ma'am and Suman Sir.

और फिर मुक्का लाल नहीं मेरे को कटवट लगा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर एंड ऑल ऑफ दैट आई गॉट आउट लाइक अ हीरो ज्यादा फिल्मी इन्फ्लुएंस था ना मेरे हाँ। सर पे तो मुझे लगा कि वो मतलब एकदम वैसा फिल्मी मोमेंट होगा कि मैं जाऊँगा और मैंने लाइन भी मारी पता है ऐसा पहला जाके बोला कि जिसने सबसे पहले हाथ उठाया ना तो वो मार दूंगा उसको इट डिड नॉट इवन गिव एनी तवज्जो टू दैट

साधन हाँ. तो हम लोग सारे आपस में रोज रात में बैठते थे वी वुड ईट टुगेदर वी वुड स्विम टुगेदर वेन वी वुड गेट एन ऑफ डे तो वो सब हम लोग करते थे ना नमोल सर के साथ भी मैं बैठा था एंड ही इज अ मैन ऑफ ट्रिवियर्स मतलब मेरे को लगता है जितने ट्रिवियर्स उनके पास है ना बॉलीवुड के मैंने तो एटलीस्ट किसी और के मुंह से नहीं सुने उनके पास इतने किस्से हैं uh... How long did it take for you to get into the character of Hiroski, Anepe Hutetha, you were just unfolding. What, what was your process like? I did not get a lot of time. Okay. I was shooting uh, the 27th of January, which is my birthday, it was my first day of shoot on the sets of farzi and it felt like a gift from God. एंड 25 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा था hmm. तो मुझे एक से डेढ़ दिन मिला था उस तैयारी करने का स्क्रिप्ट मैंने hmm. पढ़ ली थी उससे पहले और सबकॉन्शियस लेवल पे मैं उसके लिए तैयार कर रहा था अपने आप को उससे पहले मैं एक फिल्म और शूट कर रहा था जो पहले शूट हुई थी बट बाद में आई इस्ट ग्रेट इंडियन फैमिली विच रिसेंटली hmm. रिलीज ऑन एमेजॉन तो आ, मेरे को एक दिन का टाइम मिला था और उसके बाद मैं ये तैयारी की जो आप बात कर रहे हो ना ये एक्टर की पूरी लाइफ चलती रहती है लोग तो मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार आप तो बॉम्बे से नहीं हो mm -hmm. आपने वो मुंबई एक्सीडेंट कैसे पकड़ा mm -hmm. मैं बोला मैं नौ साल से बॉम्बे रह रहा हूँ यार कान तो बन नहीं है मेरे मैं रोज सुनता हूँ लोगों को कैसे बात करते हैं आपस में एक दूसरे से mm -hmm. तो यही चीजें हैं जो आपके बाद में काम आती हैं वही जो मैं कह रहा था आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना आपके आजू बाजू यही आपके काम आएगा बाद में शूटिंग का कोई ऐसा सीन याद है आपको बिकॉज शॉर्ट uh, कोई ऐसा सीन जो आपको पर्टिकुलरली याद हो मुझे वो चाय वाला सीन बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो में नहीं था. चाय अच्छा। हाँ. so, we पड़ी थी सामने और मैंने बोला यार ये ठंडी हो गई थी बड़े बड़े तो हुँ. मैंने अपने बॉय को बोला कि मैंने कहा यार चाय गर्म लिया यार तो उसने बोला कि ठीक है सर मैं लेके आता हूँ तो राज सर जस्ट गॉट अप एंड यू साइड दैट बोन यू प्लान टू हैव अ चाय इन द सीन सो आई वॉज लाइक दैट नो नो सर आई एम जस्ट कीपिंग इट रेडी फील इट ऑर्गेनिकली आई हैव इट इज लाइक नो देन हैव इट सर लाइक लाइक यू मीन इज जस्ट हैव चाय आई वॉन्ट यू टू हैव चाय लाइक यू रियली वॉन्ट टू हैव चाय सो आई वॉज लाइक आई ओके एंड देन आई रिमेंबर दिस इज समथिंग माई डैड यूज़ टू डू अगर वो चाय पीते थे ना तो उनको ऐसा लगता था कि किसी ने टास्क दिया है

या फिर देखना कि जब उसकी लाइनें नहीं है तब वो क्या कर रहा है मतलब आदमी बैठा है <laughs> आप चाय खत्म कर रहे हैं शाहिद काम है और पूरा माहौल इज लाइक यूटो कहता जो मलाई हटाई ना आई वो स्टेज क्लोज टू लाफिंग

I think he said this to me on the third or fourth day only, and then that became like a norm. Mm. And every actor on that set, it was. I think it must have been really difficult for the editor to cut that show because we were doing different things in every different take. Mm. And Rajinikanth sir have that sort of vision and they have that sort of understanding of their show and they know how they'll cut it, how they'll do it. They gave me so much liberty. They told me that one, listen. we also want to feel surprised <laughs> don't do it in the rehearsal do it in the take kamal ki baat hai yaar that's so good surprise us also to is tarike ki liberty jab aapke directors aapko dete hain to fir actor ko kya chahiye fir to wo fti apna fti AI. AI. <laughs> okay नाउ द क्वेश्चन दर एवं आस्किंग क्या सीन है भाई कुछ बताओ फर्जी टू का कुछ कुछ कॉसिप तो हो गया फर्जी टू लिखी जा रही है अभी एंड कब होगा मतलब कमॉन गाइज वी कॉन्ट जस्ट वेट ना थिंग्स टेक टाइम and mm -hmm. uh, that's it and they are writing it right now and everybody is right now busy honestly yeah. uh, everybody is busy in their individual careers right now shahid Bae is doing his own films i'm doing my own work vijay sir is the busiest of us all and raj and dk sir are also right now shooting family man 3 mm. and they have so many releases already due there's gulkanda mm. there's citadel india honey bunny and what's that season already technically you and vijay sir had only one scene right <coughs> yeah

इतने हम्बल है वो कि आपको लगने लगेगा यार ये एक्चुअली तो हो ही नहीं सकता ना so मतलब, sure कि फर्जी में मिनिस्टर उन्हें नहीं लगता था कि वो हम्बल है. <laughs> <laughs> वो भी यार यू you know, hmm. so we like और मैंने उनको बोला सर मैंने मजा आ गया सर आपका काम देख के तो उन्होंने बोला कि थैंक यू थैंक यू <laughs> hmm. मजेदार है बट विजय सेतुपत्तीम्बल है ना इतने हम्बल में देखा ही नहीं है एंड इतने प्रोफेशनल है hmm. आपको एम्बेस कर देंगे अपनी ह्यूमिलिटी से वो आपको लगने लगेगा नहीं 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 यार ऐसा मत करो मेरे साथ ठीक है थोड़ा यू स्टार्ट टू गेट लाइक इतना हम्बल कोई कैसे हो सकता है व्हाट्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या हो रहा है अब काफी कुछ हो रहा है uh, And कितने दोस्तों के साथ आप आ, आ, क्या नई नई स्कीम्स निकालने वाले हो आई थिंक आई रियलाइज दट इज अ पैटर्न लाइक यू डोंट जस्ट डू फ्रेंड का रोल यू आर ऑल्सो सामी जो चाबी लगाते हैं कार्तिक आर्यन को चाबी लगाई आपने फर्जी में आपने दोस्त यार पता है मेरे को जब मैंने पूछा था ना ये कबीर सर से भी तो यार उन्होंने एक्चुअली इट्स

अगर ये उस टाइम रिंग में से उसको गाइड नहीं करता तो ये कभी बॉक्सिंग में घुसता नहीं सो so, अगर तुम देखना चाहोगे, अ पॉइंट ऑफ व्यू अपनी लाइफ के सब हीरो होते hmm. हैं और फिर मैं वही कह रहा हूं ना यार ये बात बहुत पुराने दौर की है कि आप दोस्त प्ले कर रहे हो आप ये प्ले कर रहे हो अगर आप सोचो ना आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं उस फिल्म की एंड पीपल आर गिविंग सो मच लव मच ऑल्सो वॉट पीपल हु आर मेकिंग फिल्म अंडरस्टैंड कि इसको इतना दिया गया ये इतना कर पाया तो अगर इसको इतना देंगे तो ये कितना कर पाएगा करेक्ट सो आई फील दैट डॉन आर द डेज एंड आगे की जितनी फिल्में शोज हैं फिल्में हैं उन सब में लीड ही है यार तो क्या आ रहा है नेक्स्ट अगला आ रही है मेरी तमिल फिल्म माई डेब्यू इन तमिल विच इज ऑल्सो वेरी Lucrative experience for me, okay. and I feel that I'm very excited. This film I'm watching because excited. Oh,

Tupahia, hmm. Which is the story of a village that's been crime free for 25 years. It's hmm. called Belgium of Bihar. Oh. And it's a wonderful ensemble of people. It's called Gajarat sir, me, uh, Sparsh is there, Badya. and Renuka ma'am is there. But yeah, sure. I'm hmm. very excited for that. It's beautifully written. There's a show called Tatkal okay. that I've done with Mr. Samir Vidwans who directed Satya Ki Katha. It's for Jio Studios, uh, and uh, wo hai is the story of a man who did a Tatkal scam in 2015 in India. Hmm, this hmm, actually hmm. happened. So, I'm real life characters. Play kar raho, oh, is <laughs> Ye, this is the year of real life characters. So, I'm playing that guy, the hmm. protagonist in that. And uh, there's another show for Amazon called uh, Fisaddi, hmm. which is going to come out, which is based on Prem Chan's, uh, story called Bade Bhai Sahib, oh, which yeah. is a beautiful, beautiful story. It's an adaptation of that set in a college world. So that's coming out, and whatever I'm going to show. Hi, I'm Bhuvan Arora, and you're watching me on Bollywood Hangama.